नमस्कार, मैं चंदन दुबे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। 30 जनवरी 2022 को शुक्र जो है वो मार्गी हो रहे हैं, और जो मेष राशि के लोग हैं इनको अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए शुक्र जो है वो नवे घर में भी हैं, साथ है मंगल और चंद्रमा भी हैं। अच्छा योग बन रहा है। ऐसे अब ये जितने भी मेष राशि के लोग हैं, इन लोगों को भाग्य से संबंधित जो भी बाधाएं थी वो दूर होंगी। साथ ही साथ कैरियर में, व्यापार में अच्छा समय है। कैरियर और व्यापार में जो बाधाएं आ रही थी वो दूर होंगी और अच्छा समय दिखेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, धन आदि मिलने की भी अच्छी संभावना है। साथ ही साथ अभी के पीरियड में ये जो बृहस्पति आप देख रहे हैं यहाँ लाभ भाव में है, वो भी शनि की राशि में, जो भी धन मिलेगा अभी वो लंबा टिकेगा। जो धन अभी, वैसे तो होता है कि धन तो बहुत लोग कमाते हैं लेकिन वो चला जाता है, खर्च हो जाता है, लंबे समय तक टिकता नहीं है, लेकिन अभी जो धन आप कमाएंगे वो लंबे समय तक टिकेगा। सारी चीजें अच्छी दिख रही हैं। मंदिर वगैरह भी जाइए, वो भी अच्छा रहेगा। आपके जो कार्यस्थल है, वर्क प्लेस है, वहाँ पे जो परेशानी आपकी चल रही है उसमें थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। पैतृक धन संपत्ति से संबंधित जो विवाद चल रहा है वहाँ भी आपको लाभ मिलने की संभावना है, अगर आप उपाय कर लेते हैं तो। सब उपाय में बता देता हूँ। उसके पहले बता दूँ कि संतान जो है उनको अभी थोड़ा मेहनत करना चाहिए। आपके लिए जो उपाय है वो राहु के उपाय में बता रहा हूँ, क्योंकि ये राहु जो है ये धन भाव में बैठा हुआ है, ये पैतृक धन है, धन भाव में बैठा हुआ है, उसी के लिए मैं बता रहा हूँ। गले में चांदी का कोई भी आभूषण पहनिए, इससे राहु जो है थोड़े शांत हो जाएंगे। ये सारे उपाय जो है लाल किताब के हैं। दूसरा उपाय है कि ये शुक्र का उपाय मैं बता रहा हूँ, पत्नी को लाल रंग की चूड़ियां दें। जी हाँ, पत्नी को लाल रंग की चूड़ियां दें। अगर आप पत्नी हैं तो पति को कुछ देने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप पति हैं और आपकी जो मेष राशि है तो आप अपनी पत्नी को लाल रंग की चूड़ियां दें। और साथ ही साथ केतु का भी एक उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि केतु अभी आपके कुंडली के 8वें घर में चल रहे हैं। भगवान गणेश की पूजा कीजिए, अभी पूजा पाठ के लिए बहुत अच्छा समय है। आपका समय अभी बहुत अच्छा है। ये जो शुक्र मार्गी में आए हैं आपको काफी लाभ मिलेगा, व्यापार में भी मिलेगा, स्टूडेंट को भी लाभ मिलेगा, धन के संबंधित भी लाभ अच्छा मिलेगा, भाग्य साथ देगा अभी। तो ये है शुक्र राशि पे, माफ कीजिएगा, ये है मेष राशि पे शुक्र शुक्र का मार्गी होने का असर। अगर आपको कुंडली से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे आपको पूछना हो आपकी नौकरी कब लगेगी, आपकी शादी कब होगी, इस प्रकार के जो भी प्रश्न हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। सवाल पूछने के लिए अपने जन्म की तारीख और जन्म का समय बताना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।